देश भर के माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत चिंता करते हैं। यहाँ टीचर्स भी हैं, बच्चे भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, और बच्चे टैलेंटेड तो होते हैं, बच्चों में प्रतिभा तो होती है, लेकिन उन्हें अच्छा गाइड नहीं मिलता, उन्हें अच्छा गुरु नहीं मिलता जो उन्हें सही राह दिखा सके और उन्हें मंजिल तक पहुँचा सके। बहुत धन्यवाद आनंद जी, आनंद कुमार जी, इसलिए भी बच्चों इनके ऋणी हम हैं, क्योंकि इन्होंने अभी तक 450 बच्चों को IIT में दाखिला दिलवाया है। देश का सबसे प्रतिष्ठित ये संस्थान है, जहां एडमिशन मिलना अपने आप में बहुत मुश्किल होता है, और जो एडमिशन मिला है बच्चों को, वो बच्चे हैं जो बहुत गरीब हैं, वो बच्चे हैं जो फीस तक नहीं दे सकते, ये वो बच्चे हैं जो किसी भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, छोटे छोटे शहरों को तो छोड़ दीजिए, दिल्ली जैसे महानगर में जाकर कोचिंग नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि वो बहुत गरीब बच्चे हैं, उन लोगों की आपने मदद की है। आनंद जी का जीवन भी जो है वो संघर्षों से भरा रहा है। विदेश में एक यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो गया था, लेकिन क्योंकि पिताजी के पास फीस नहीं थी और दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से उसी दौरान पिताजी चल बसे, इस दुनिया में नहीं रहे, वो सपना आपका अधूरा रहा, लेकिन अपने उस अधूरे सपने को आज आप जैसे सैकड़ों हजारों बच्चों के जरिए आप पूरा कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आनंद जी। कैसा ये सफ़र रहा, कैसे आपने ये सोचा कि ऐसे बच्चों की मदद की जाए, और कहाँ तक कामयाबी आपको मिली? बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया और आप जैसे युवा साथियों से, बच्चों से बातचीत करने का मौका दिया, इसलिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप लोग। दरअसल में हमारी भी इच्छा थी जब आप जैसे बच्चे थे कि पढ़ लिख कर कुछ आगे बढ़ा जाए, कुछ अच्छा नया रिसर्च किया जाए, कुछ देश के लिए दिया जाए, इसलिए मैथमेटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, मैथमेटिक्स पढ़ने में काफ़ी मन लगता था। और मैथमेटिक्स पढ़ते पढ़ते जब मैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट था, उसी समय हमारे कुछ पेपर बाहर के जर्नल्स में पब्लिश हो गए। उसके बाद उसी के बेसिस पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हायर एजुकेशन के लिए बुलावा भी आया। लेकिन दोस्तों, हमारे पिताजी एक पोस्टल एम्प्लॉई थे, लेटर सॉर्टिंग का काम करते थे, चिट्ठी छाटने का काम करते थे, उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि हवाई जहाज का किराया तक दे सके। पिताजी काफ़ी परेशान थे, चिंतित थे इस विषय को लेके, और इसी बीच में उनका सडन डेथ भी हो गया। जब सडन डेथ हो गया तो हम लोग काफ़ी टूट गए, काफ़ी परिस्थितियाँ खराब हो गई, और पिताजी के जगह पर वही पोस्टल डिपार्टमेंट में मुझे नौकरी लग गई। लेकिन मैंने नौकरी नहीं की, हमारी माता जी ने कहा कि ठीक है बेटा, अगर तुम नौकरी नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, मैं पापड़ बनाऊंगी, तुम लोग उसको बेचना। तो मेरा भाई परनो, जिसका किरदार इस फिल्म में नंदीश जी ने निभाया है, आज मेरा भाई भी आया हुआ है, तो दोनों भाई हम लोग घूम घूम कर पापड़ बेचते थे, तो हम लोग दोनों भाई घूम घूम कर पापड़ बेचते थे, और इससे जो आमदनी होती थी घर का खर्चा चलता था। अभी आप देख रहे होंगे ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर पापड़ बेचने वाला काफ़ी फोटो चल रहा है, तो उसी से हम लोगों की घर की आमदनी थी और खर्चा चलता था। बाद में हम लोगों को लगा, कुछ दिनों के बाद मेरा भाई परमा बोला कि भैया आप ठीक है ये काम कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन आपका तो सपना था एक बड़े शिक्षक बनने का, एक अच्छा टीचर बनने का, कोई बात नहीं, नहीं कुछ है तो यहाँ जो स्लम के बच्चे हैं, जो गांव के बच्चे हैं, उन्हीं के बच्चों से आप प्रयास करिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़ा टीचर कोई कैम्ब्रिज में जाके और ऑक्सफोर्ड और MIT में बने, यहीं से शुरुआत करिए। तो मैंने वहाँ से शुरुआत की। इस प्रोग्राम के तहत हमने 30 बच्चों का सिलेक्शन किया अपने भाई के मदद से, 300 बच्चों को घर पर रखा। आनंद जी, ये हम सबके मन में एक सवाल है, जी जी, 30 ही क्यों, सुपर 30 ही क्यों, 40 क्यों नहीं, 50 क्यों नहीं, 20 क्यों नहीं? वही बताने जा रहे थे कि 30 बच्चों को रखा और माताजी ने कहा कि भाई हम लोग
हम लोग बच्चों के लिए खाना बनाएंगे, बच्चे हमारे साथ घर में रहेंगे, पढ़ेंगे और अच्छा करेंगे। क्योंकि हम लोगों की आमदनी नहीं थी, हम लोग आज तक बच्चों बताए, चाहे इंडिया टुडे ग्रुप से भी ऑफर आया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी रहे, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी रहे, अंबानी जी रहे, चाहे महिंद्रा जी रहे, बड़े बड़े लोगों ने भी कहा कि भाई करोड़ों रुपया चंदा ले लो, लेकिन आज तक हमने किसी से एक रुपया चंदा नहीं लिया। ट्यूशन पढ़ा के हम लोग जो पैसा अर्जित करते हैं उसी से 30 बच्चों को ही पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे पास इसका एक लिमिटेशन है। ये सबसे बड़ी बात है और यही आपको औरों से अलग भी करती है। किसी लालच, राग, द्वेष, हर उस भावना से ऊपर उठकर आपने सिर्फ और सिर्फ सेवा की है। कैसा लगा प्रोमो यार सुपर थर्टी का? देखने जाओगे पिक्चर? तो देखो पिक्चर के हीरो को भी बुला लिया हमने। नितीश बताइए क्या है मूवी में? आप यार आप लोगों की सीटियां मुझे बड़ी पसंद आई यहाँ पर, मतलब थोड़ी बहुत एक बार हाथ उठा दो, किस किस के हाथ में सीटी है क्या? अरे सबके हाथ में ही है, क्या बात। मतलब सुबह 4 बजे मैं उठा था, सुबह 3 घंटे की नींद हुई थी, तो अभी थोड़ी थोड़ी मुझे झपकी आ रही थी, वो आपकी सीटियों ने उड़ा दी बिल्कुल नींद। वो काम है ना, चाय कॉफी नहीं कर पाई जो आपकी सीटियों ने कर दिया यहाँ पे आके। सो थैंक यू सो मच, बजाते रहिए प्लीज, बजाते रहिए। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर, इट्स अ ग्रेट ऑनर कि हम लोग यहाँ पर आए, आप लोगों के सबके बीच में यहाँ बैठकर आप लोगों से हम लोग अपनी कहानी, अपनी फिल्म के बारे में शेयर कर पा रहे हैं। सो इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड ऑल आई वुड वॉन्ट टू से इज प्लीज गो एंड वॉच द फिल्म। 12 जुलाई को रिलीज़ हो रही है, आप लोगों ने ट्रेलर को, उसके गानों, आज एक गाना रिलीज़ हुआ है बसंती नो डांस, अगर आप लोगों को टाइम मिले तो वो भी आज देखिएगा, और 12 जुलाई को प्लीज़ फिल्म देखिए। वी हैव रियली वर्कड हार्ड एंड इट्स अ वेरी वेरी हार्ट टचिंग स्टोरी, प्लीज़ गो एंड वॉच द फिल्म। हमने सुना ये है नंदीश कि खूब मारधाड़ किया आपने, एकदम चॉकलेटी हीरो हैं, गोरे चिट्टे, आप क्या लड़े होंगे वहाँ गुंडे बदमाश? जी वहाँ पे मैं नहीं लड़ रहा था, वहाँ पे प्रणव जी लड़ रहे थे। क्या बात तो कर रहे हैं? अच्छा। मैं इनके प्ले अंदर कर रहे हैं, प्रणव, मैं उनके अंदर घुसा हुआ था और जो वो करें अपनी लाइफ में, जो जो उन्होंने किया है वो मैंने किया है। अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मूवी में आप सिर्फ आनंद कुमार जी की कहानी दिखाएं, बच्चों को पढ़ाना लिखाना दिखाएं, इनका संघर्ष दिखाएं और कोई एंटरटेनमेंट वैल्यू ना हो उसमें? जी एंटरटेनमेंट तो इतना है कि आप क्या है वो बताइए ना, अभी आप आज का गाना देखिए, इट इज़ फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। जरूरी नहीं है कि एंटरटेनमेंट सिर्फ पेड़ों के इर्द गिर्द नाचने गाने से हो, एंटरटेनमेंट यू नो वी हैव दिस नोशन के अगर बहुत अच्छा डांस होगा मूवी में, अगर कुछ ठुमके लगेंगे तो एंटरटेनमेंट होगा। आप आज का गाना देखिए जो बच्चों ने परफॉर्म किया, उससे बेहतर अगर आपको कोई एंटरटेनमेंट मिल जाए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आनंद जी ये कैसे संभव हुआ? आप किसी से मदद नहीं लेते हैं, पैसा नहीं लेते हैं, घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, ऊपर से 30 बच्चों को न सिर्फ पढ़ाना, खिलाना पिलाना, अपने घर में रखना, कैसे संभव, कैसे हो पाता है, कैसे करते हैं? ये हम लोग बताना चाहेंगे कि ये बड़ी बात नहीं है कि बगैर किसी से डोनेशन लेके चलाते हैं। हमारी एक टीम है, हमारे भाई है और कई लोग हैं जो मिल के हम लोग बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, जो कुछ पे कर सके, शाम को हम लोग एक इवनिंग क्लासेस करके चलाते, उससे जो आमदनी होती है उसी से 300 बच्चे खाते हैं, पीते हैं, हमारा परिवार चलता है। लेकिन उससे बड़ी बात है दोस्तों, हम जरूर शेयर करना चाहेंगे कि ये फिल्म मेकिंग के भी टाइम और उसके पहले भी सबसे बड़ी बात है सुपर 30 पे कि बगैर किसी से चंदा और मदद लिए हम लोग चलाते हैं। बावजूद इसके कई बार माफिया लोग हम लोगों को पर बहुत हमला किया, कई केस मुकदमा में फंसाने का प्रयास किया, एक निर्दोष हमारे सहयोगी को 3 महीने जेल दिया। बाद में पता चला जब इन्वेस्टिगेशन हाईएस्ट लेवल का हुआ बिहार पुलिस का, क्यों एकदम निर्दोष था। अभी हमारे 22 दिसंबर को हमारे भाई पर हाईवा ट्रक चढ़ा दिया गया। तो माफियाओं से लड़ते हुए हम लोग ये काम क्यों? लेकिन आप तो इसमें माफिया कहां से आ गया? आप तो माफिया काम कर रहे दो तरह के माफिया, एक एजुकेशन माफिया होते हैं और कुछ फ्यूडल मेंटेलिटी के लोग होते हैं। हाँ
जो नहीं चाहते हैं कि अब राजा का बेटा राजा ही बने, ये चाहते हो, नहीं चाहते कि हकदार भी राजा बने, तो वैसे लोग रोकना चाहते हैं। कभी डर नहीं लगा आपको कि यहाँ खुद का घर कैसे चलेगा? इसी चिंता में लोग पूरी जिंदगी निकाल देते हैं और आप ऐसे लोगों से लड़ते भिड़ते हुए 30 बच्चों को हर साल अपने साथ लेकर पालते हैं, पोसते हैं और उन्हें उनका भविष्य बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, घर तो सब लोग चला ही लेते हैं, लेकिन उस दिन मुझे बहुत खुशी होती है जब ऑटो ड्राइवर का बच्चा हमारे घर आता है, रिजल्ट होता है और ऑटो चलाने वाले की बच्ची आती है, मजदूर का बेटा आता है, ईंट भट्टे में काम करने वाले की बच्ची आती है, उनकी माँ आती है और खुशियों के आंसू होते हैं। तो घर चले ना चले इसका परवाह खत्म हो जाता है, उन लोगों की जिंदगियां बननी चाहिए। आनंद जी, बहुत मुश्किल होता है अपने आप को लाइमलाइट से दूर रख पाना, अपने आप को जब आपको शोहरत मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है, ये सिंप्लिसिटी आज भी उसी तरह से रहना, उतना ही संयमित रहना, उतना ही सरल रहना। आपने अभी कहा भी कुछ ऑफर्स भी आपको आए, बड़े बड़े पैसे भी लोगों ने देने की कोशिश की, तो ये कैसे होता है? देखिए, सिंपल रहना, पहनना, खाना पीना, ये हमारा कोई प्रयास किया और नहीं, हमारी मजबूरी। हम चाह के भी कोट टाई पहनेंगे तो कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे, तो हमारी मजबूरी है। कैसे रहते हैं? आराम से रहते हैं, बेफिक्र, लापरवाह। तो अगर आदमी अपने वेशभूषा, अपनी जो स्टैंडर्ड दिखाने का प्रयास के दिखावा से दूर हटता है, तब वो सच में रियल कामों से जुड़ता है। तो ये सभी के लिए है कि दिखावा से दूर रहें। आप अच्छा काम कितना करते हैं, आप जो भी काम करो उसमें कितनी अच्छाई ला पाते हैं, कितना क्वालिटी उसमें इंप्रूव कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। आप दिखावा कितना करते हैं महत्वपूर्ण नहीं। लेकिन आज तो आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो बड़े बड़े स्कूल देखते हैं, 5-star 7-star स्कूल हो गए हैं, फुल्ली सेंट्रलाइज्ड स्कूल कॉलेजेस हो गए हैं, जहाँ फीस कम है, बच्चों पेरेंट्स को लगता है कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती होगी, जहाँ दूसरी सुविधाएं नहीं है वहाँ लगता, अच्छी बिल्डिंग नहीं है तो लगता है कि पढ़ाई नहीं होती होगी। तो क्या आप इस मिथक को तोड़ पाने में कामयाब रहे हैं? क्या आप सुपर 30 से आगे बढ़ेंगे? क्या आप देश के पेरेंट्स को कोई इस तरफ ले जाना चाहेंगे कि वो हटें और पढ़ाई लिखाई करें? जैसे एक बात बताएं, हमारे मेरे पिताजी हमेशा ये कहा करते हैं, मेरी 3 बहनें और तीनों का ये रहता है कि बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। तो मेरी छोटी सिस्टर पीछे लग गई कि उसकी जब बेटी हुई, बड़ी होने लगी, कि स्कूल सबसे इंदौर के सबसे बढ़िया स्कूल में राजसर पढ़ाएंगे उसे, एक कॉन्वेंट स्कूल है, वहाँ एडमिशन नहीं होता, बहुत मुश्किल से एडमिशन होता है। तो रोने धाने लगी, कुछ हो, बब्रोच लगाना पड़े, ये करना पड़े, पढ़ाएंगे तो वहीं पढ़ाएंगे। पिताजी ने कहा कि बेटा ज़रा पलट कर देखो, हमें देखो, हमारे बाप दादाओं को देखो, हमारी पीढ़ी के लोगों को देखो, सब सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं। क्या सरकारी स्कूल से पढ़े हुए जो बच्चे हैं वो IAS नहीं बनते, वो IIT नहीं जाते? तो ये जो मिथक है इसको कैसे तोड़ेंगे आप? यही मिथ को तोड़ रही है हमारी फिल्म सुपर 30। आज हमारे देश में 2 तरह की शिक्षा प्रणाली है, जैसा कि आपने बताया, एक ऐसे स्कूल है जो 5-star होटलों जैसे हैं, उसमें तमाम सुविधाएं हैं। उन तमाम सुविधाओं में पढ़ने वाले बच्चों को भी, जो साधन विहीन बच्चे हैं, अगर उनमें जज्बा पैदा कर दिया जाए, उनके दिलों में आग लगा दी जाए, उनके मन में जोश भर दिया जाए, तो उन बच्चों का भी मुकाबला कर सकते हैं, उनसे भी आगे बढ़ सकते हैं। जरूरत इस बात की कि उन बच्चों में कितना जुनून बढ़ता है। इस फिल्म में ही दिखाया गया है कि ये फिल्म एक आनंद कुमार की कहानी नहीं है, बल्कि उन तमाम शिक्षकों की कहानी है जो बच्चों के बेहतर जिंदगी के लिए अपना पूरी ताकत लगाते हैं। और इस फिल्म देखने के बाद हर निर्धन परिवार के बच्चे में एक उम्मीद जागेगी कि मेहनत से कुछ भी संभव है, इंफ्रास्ट्रक्चर और AC स्कूल से कुछ नहीं होने वाला है। और जो बड़े घर के बच्चे होंगे उनको भी ये शिक्षा मिलेगी कि जब इन बच्चों में जोश भर जाता है और इतिहास रचते हैं, तो मैं तो और भी बड़ा इतिहास बना सकता हूं। तो ये सारी फिल्म जो है तमाम लोगों के मन में जोश भरेगी और उत्साहित करेगी।
अनंत जी, हम कितने भी सवाल पूछ लें उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो IIT करना चाहते हैं, जो आपसे जुड़ना भी चाहते हैं. तो हम चाहेंगे कुछ बच्चे आनंद जी से यहाँ सीधे सवाल पूछे, जल्दी जल्दी. लेकिन हाथ खड़ा कीजिए. दीजिए, हाँ आपको दीजिए. ये रहे, आप सवाल पूछिए, लीजिए. ये आगे आगे लाइए, इनको लाइए, इनको दीजिए. आगे आगे आप बोल रहे हैं ना, आप सवाल पूछिए. हाँ इनको दीजिए, लीजिए लीजिए लीजिए, जल्दी जल्दी. हाँ आप जल्दी 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 जल्दी, समय नहीं है बच्चे. आप पूछ लीजिए, आपकी बिटिया है वो, आपकी बिटिया है. दीजिए दीजिए, बच्चे को दीजिए. हेलो सर, नमस्कार. हेलो सर, मेरा नाम सिद्धार्थ है. एक्चुअली मैं आपसे पूछना चाहता था कि पहले JEE जो है वो पेपर बेस्ड होता था, अभी वो कंप्यूटर बेस्ड ट्रांसफॉर्म हो गया है, तो इससे आपको क्या चेंजेस, क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े? बहुत अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है, बहुत अच्छा सवाल, धन्यवाद. आज हमारे देश में सारी परीक्षाएं ऑनलाइन हो गई, बहुत अच्छी बात है डिजिटल करना किसी चीज़ को, लेकिन क्या हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे, गांव के बच्चे कंप्यूटर पर उतना फैमिलियर है जितना एक मॉडर्न स्कूल का बच्चा रहता है, इंग्लिश स्कूल का बच्चा रहता है? तो हम लोगों को चाहिए कि पेपर वाला भी टेस्ट हो और साथ साथ कंप्यूटर वाला भी टेस्ट हो. और धीरे धीरे जैसे 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 कंप्यूटर का ज्ञान बढ़ता जाए, लोगों के पास कंप्यूटर पहुंच जाए, गरीब से गरीब के पास पहुंच जाए, तो फिर पूरी तरह से डिजिटल इसको करना चाहिए. लेकिन आपने बहुत अच्छा कहा, इस चैनल के माध्यम से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा HRD से कि जरूर इस विषय पर विचार करें कि सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट ना हो, पेन और पेपर का भी टेस्ट रहे, ताकि गरीब बच्चों का हक ना मारा जाए. सर नमस्कार, अभी हम सब लोग यहाँ पे धन्य महसूस कर रहे हैं आपको पाके. तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि मेरी बेटी है, ये पूछती थी कि वो कौन है, तो साक्षात वो आपको देख के आज बहुत खुश हो रही है यहाँ पे, माही तिवारी. बहुत धन्यवाद. यही बोलना चाह रहा, थैंक यू सो मच. बहुत 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 धन्यवाद. ये बताइए कि जब आप बच्चों को चुनते हैं तो कोई टेस्ट लेते हैं, या कोई भी बच्चा, मान लीजिए इंदौर से कोई बच्चा आना चाहे आपके पास? बहुत अच्छा आपने सवाल किया. हम लोग यहाँ पर दीपक जैन जी हैं, हमारी संस्था का काम करते हैं, बाद में सबको मिलाएंगे भी उनसे अभी कार्यक्रम के अंत में. तो इनके माध्यम से इस बार हम लोग सुपर 30 को बड़ा कर रहे हैं, और ये पूरा इंदौर ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के कई शहर में निःशुल्क इन्होंने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे और टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे, और अच्छे बच्चे जो ज़रूरतमंद है चुन के देंगे, ताकि उनको आप फायदा दे पाइए. तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी का, जिन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठाया. वो हम वही जानना चाह रहे हैं, वो टेस्ट क्या होगा. अच्छा, आपके भाई भी आए हैं? जी जी हाँ, हम छोटे भाई, इन्होंने आनंद जी के छोटे भाई ने संघर्ष में बहुत मदद की है. हम चाहेंगे कि आप सभी को बुला लें और सबसे मिलवाएं. दीपक जी तो पार्षद भी है ना. आइए. जल्दी से अपना परिचय दीजिए, बताइए. मेरा नाम प्रणव कुमार है, आनंद सर के छोटे भाई हैं, और सुपर 30 में समर्थन देते हैं, सपोर्ट करते हैं. हाय, मेरा नाम नंदन सिंह है, मैं ड्रामा स्कूल पास आउट हूँ. भोपाल से मेरा बहुत नाता रहा है MP से, मैंने यहीं के ड्रामा स्कूल से पढ़ाई की, इसके बाद मैं अभी मुंबई में हूँ और फिल्मों में प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी भी कुछ अच्छी बने, और इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन में हूँ. सारा जो भी भैया के साथ जहाँ घूमना होता है, जहाँ जाना होता है, उनके साथ रहता हूँ. धन्यवाद. नमस्कार, मेरा नाम दीपक जैन है और इंदौर में ही रहता हूँ, यहाँ से वार्ड नंबर 6 से पार्षद हूँ. और आज हमारी एक संस्था के कार्यक्रम में आनंद जी भी शिरकत करने आए थे सुबह, नंदीश भाई और सभी लोग, और बहुत अच्छा स्टूडेंट्स के बीच में वो कार्यक्रम रहा है. मैं खुद अपनी एक इंडस्ट्री भी रन करता हूँ यहाँ पर, और कई सारी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हूँ, और कई सारे सामाजिक कार्य को हम गति भी प्रदान कर रहे हैं. धन्यवाद. गुड इवनिंग, मेरा नाम मनीष है, आई एम एन इंजीनियर एंड मैं आनंद सर का स्टूडेंट हूँ, इज माय मेंटोर. एंड आनंद सर ने पढ़ाया आपको? नहीं, ही इज माय मेंटोर, ही इज माय गुरु. तो अब आप इनके साथ जुड़ गए? जुड़ गए. तो ये देखिए, वो कहते हैं ना कि धीरे अकेला ही चला तो और कारवा, यही सब हो रहा है, यही कारवा आपका. तो आप कैसे मदद करेंगे बच्चों सर?
चाहिए, डिजिटलाइजेशन फैलानी है तो गांव-गांव में कंप्यूटर जाना चाहिए, तो ऐसे ही पढ़ाई भी वैसे ही फैलेगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी अभी आनंद जी ने कहा कि हम चाहेंगे कि पेपर पेन से भी एग्ज़ाम हो, क्योंकि डिजिटाइजेशन अभी हमारे गांव कस्बों तक नहीं पहुंच पाया है, तो वो काम आप पूरा करें। जी दीपक, हम लोग सुपर 30 के प्रोग्राम्स मध्य प्रदेश में भी बहुत जल्दी करने वाले हैं, और जो भी बच्चे अपनी एग्ज़ाम देना चाहें सुपर थ्रू एंट्रेंस एग्ज़ाम और सुपर 30 में जाकर पढ़ना चाहते हैं, तो हम बहुत जल्दी वो प्रोग्राम मध्य प्रदेश में आनंद भैया के मार्गदर्शन में शुरू करेंगे। और इसकी जानकारी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर हम लोग को आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ कब टेस्ट ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों से मिलकर बहुत मज़ा आया। मैं कौटिल्य अकेडमी के MD सिद्धांत जोशी जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि